हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत करने के लिए आपको कोई भी बड़ी मशीन लेने की जरूरत नहीं होगी। इस बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो, चाहो तो छोटी सी जगह लेकर शुरू कर सकते हो, खुद पैसे कमा सकते हो और अपने आसपास के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हो। तो बिजनेस आइडिया क्या है वो बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी का भी लाइक कर दे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ उस बिजनेस के बारे में YouTube पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है उनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो एक लाइक तो बनता है। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट आए या कोई भी सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए क्या होता है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, मैं सभी का जवाब नहीं दे पाता, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नया फॉर्मेट क्रिएट करते हैं जिसमें क्या हो कि जो लोग भी सवाल पूछते हैं उनका जवाब मैं आपको दे पाऊँ। तो उसके रिगार्डिंग में एक अनाउंसमेंट है जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो की नई सीरीज हमारे लघु उद्योग। ये इस सीरीज का 7वां एपिसोड है और आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस आइडिया है फूल झाड़ू बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों आप खुद जानते होंगे फूल झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर जगह पे किया जाता है, चाहे वो घर हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी फूल झाड़ू खरीदता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 महीने ही चलती है, उसके बाद में वो यूज करने लायक नहीं बचती है। तो आप खुद समझ सकते हैं इसकी डिमांड साल के 12 के 12 महीने रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि फूल झाड़ू बनाने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल आपको किस प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फूल झाड़ू को बनाया कैसे जाता है, बनाने के बाद में आप अगर इसको बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो इनिशियल कुछ दिनों में ही आपको अच्छे खासे सेल्स आने चालू हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो वो तरीका जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि फूल झाड़ू बनती किससे। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि फूल झाड़ू किससे बनती है, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि फूल झाड़ू किससे बनती है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक घास होती है जिसको बोलते हैं टाइगर ग्रास, इसको ब्रूम ग्रास भी कहते हैं, इसके ऊपर एक फूल उगता है, उस फूल से फूल झाड़ू बनती है, तो इसीलिए दोस्तों इसको फूल झाड़ू कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स है वहां पे ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, इन सारे स्टेट्स के अंदर वहां पे ये जंगलों में ऐसे ही उगती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको तोड़कर प्रोसेस करके झाड़ू बनाकर बेचते हैं, तो बहुत सारे लोगों की आजीविका इसके ऊपर ही चलती है। और दोस्तों आजकल भारत सरकार भी टाइगर ग्रास की खेती को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है, तो अगर आप किसान हैं या फिर आपके आसपास में कोई भी खेती करता है तो उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत अच्छी है। दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो रॉ मटेरियल आपको पूरे साल इजीली अवेलेबल हो जाता है और 1 किलो के अंदर लगभग 2 से 3 झाड़ू बनाई जाती है। देखिए मार्केट में जो भी झाड़ू मिलती है वो 300 ग्राम से लेकर 450 ग्राम के बीच में होती है, तो अगर आप 300 ग्राम की झाड़ू बनाते हैं तो 1 किलो में 3 झाड़ू बन जाएगी, और अगर आप 450 ग्राम की बनाते हैं तो 1 किलो में 2 झाड़ू बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लेबर 1 घंटे के अंदर 12 से लेकर 15 झाड़ू आसानी से बना सकता है, अगर वो एक्सपीरियंस है तो। अगर इनएक्सपीरियंस होगा तो थोड़ा कम बनाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस आदमी 12 से 15 झाड़ू 1 घंटे में आसानी से बना सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको जरूरत होगी टाइगर ग्रास की, जिसको ब्रूम ग्रास भी कहते हैं, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी लगभग 40 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो के बीच में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइस वेरी करेगा कि आप कहां से खरीद रहे हैं और किस क्वालिटी का खरीद रहे हैं। देखिए अगर आप डायरेक्टली किसान से या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाके खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, तो आपको हो सकता है 40 रुपए या उससे कम में भी मिल जाए, लेकिन अगर आप किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से खरीदेंगे तो प्राइस आपको थोड़ा ज्यादा पे करना होगा। इसके अलावा आप कौन सी क्वालिटी की खरीद रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 50 किलो के पैकेट में आता है, तो जब भी आप खरीदने जाएंगे तो कम से कम आपको 50 किलो तो खरीदना ही खरीदना होगा। दूसरा, ब्रूम बाइंडिंग वायर। दोस्तों आपने देखा होगा झाड़ू के अंदर एक स्टील का वायर होता है जो उसको बांध के रखता है, तो उस वायर की भी आपको जरूरत होगी, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 40 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो के बीच में। तीसरा, हैंडल। दोस्तों आपने देखा होगा झाड़ू के पीछे एक प्लास्टिक का हैंडल होता है, कोई कोई झाड़ू में स्टील का भी होता है, तो आप प्लास्टिक या स्टील किसी का भी ले सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक का लेते हैं तो किलो के हिसाब से भी मिलता है और पर पीस के हिसाब से भी मिलता है। अगर आप किलो में खरीदने जाएंगे तो लगभग 150 रुपए किलो मिलता है, और पर पीस के हिसाब से खरीदेंगे तो 3 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच में आएगा, और अगर आप स्टील का हैंडल खरीदते हैं तो वो आपको मिलेगा 6 रुपए से लेकर 12 रुपए के बीच में। चौथा, प्लास्टिक का पाउच।
दोस्तों आपने देखा होगा आजकल जो भी झाड़ू मिलती है वो प्लास्टिक के पाउच में पैक होती है, तो वैसे प्लास्टिक के पाउच आपको भी प्रिंट करवाने होंगे। ये प्लास्टिक के पाउच आपके ब्रांड के नाम से आपको प्रिंट करके मिल जाएंगे लगभग 200 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो के बीच में। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ हैंड टूल्स की भी जरूरत होगी, जैसे कि ग्रास कटर, मेटल कटर, चाकू, कैंची, हथौड़ा, ये सारी चीजों की। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं फूल झाड़ू को बनाया कैसे जाता है, फूल झाड़ू बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों फूल झाड़ू बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्रूम ग्रास की जो स्टिक्स होती हैं उनको लेना होगा। मान लीजिए आप 300 ग्राम की झाड़ू बनाना चाहते हैं तो या तो आप वजन कर सकते हैं या फिर अंदाजे से भी ले सकते हैं। 300 ग्राम में लगभग 30 से 35 स्टिक्स आती है। उसके बाद में दोस्तों आपको ब्रूम होल्डिंग वायर की मदद से झाड़ू को अच्छे से बांधना होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये महिला किस तरीके से झाड़ू को बांध रही है, आपको भी सेम इसी तरीके से टाइटली बांधना होगा ताकि झाड़ू खुल ना जाए। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झाड़ू अच्छी तरीके से बन चुकी है, लेकिन अगर आप झाड़ू के पीछे का भाग देखेंगे तो कुछ डंडियाँ लंबी है, कुछ छोटी है, तो उसको आपको चाकू की मदद से काटना होगा और काट कर उसको लेवल में लाना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, या तो आप प्लास्टिक के फित्ते की मदद से झाड़ू को बांध सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक का हैंडल लगा सकते हैं, या फिर स्टील का हैंडल भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आप प्लास्टिक के फित्ते की मदद से इसको बांधना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये महिला किस तरीके से बांध रही है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको भी बांधना होगा। अगर आप प्लास्टिक का हैंडल लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगा सकते हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये महिला किस तरीके से प्लास्टिक के हैंडल को झाड़ू के अंदर घुसा रही है, सेम इसी तरीके से आपको भी घुसाना होगा। दोस्तों पहली बार जब आप हैंडल घुसाएंगे तो घुसाने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन एक बार जब वो घुस जाएगा तो झाड़ू से फिर ऑटोमेटिकली निकलेगा नहीं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी हैंडल आप लगाएंगे वो टाइटली फिट होना चाहिए, नहीं तो आपको कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आएगी। उसके बाद में दोस्तों आपकी झाड़ू बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको आप प्लास्टिक के पाउच में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हो। दोस्तों आप समझ गए होंगे फूल झाड़ू बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है और इसको बनाया कैसे जाता है। तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन से लाइसेंस लेने होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा आपके लोकल म्युनिसिपल ऑफिस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप झाड़ू बनाकर ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, जैसे कि Amazon पे, Flipkart पे या खुद की वेबसाइट बनाकर, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके अलावा आपको किसी भी बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट खुलाना होगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप ये बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी के नाम का भी पैन कार्ड बनाना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप रन करते हैं, मतलब अकेले कंपनी के मालिक हैं, तो आपको पैन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी, आपके पैन कार्ड से चल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में, कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है वो जान लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं आपने मीडियम क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा है जिसका प्राइस है 65 रुपया और आप 300 ग्राम की झाड़ू बनाना चाहते हैं, तो 300 ग्राम की झाड़ू बनाने के लिए आपका खर्चा आएगा लगभग 20 रुपया। प्लास्टिक का हैंडल और ब्रूम होल्डिंग वायर का मैं पकड़ लेता हूँ 5 रुपया। पाउच पैकिंग का मैं पकड़ लेता हूँ 2 रुपया। लेबर कॉस्ट मतलब मजदूरी का मैं पकड़ लेता हूँ 3 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्सपेंसेस का मैं पकड़ लेता हूँ 5 रुपया। तो अगर हम टोटल करें तो हो जाता है 35 रुपया। दोस्तों इस 35 रुपये में आप लगभग 25-30% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप 30% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो 10.5 रुपया होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 रुपये पकड़ लेता हूँ, तो आपका सेलिंग कॉस्ट हो जाएगा 45 रुपया। मतलब आप रिटेल काउंटर पे 45 रुपये में बेच सकते हो और रिटेलर आगे उसको बेचेगा 55 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में। दोस्तों रिटेलर को भी लगभग 25-30% का प्रॉफिट मार्जिन इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको पर झाड़ू के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप रोजाना 250 झाड़ू बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 25,000 रुपया और महीने में अगर आप 26 दिन भी काम करते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 65,000 रुपया। अब दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि 250 झाड़ू एक दिन में कैसे बिकेगी, आप बेफिक्र रहिए, आगे मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप इजीली 250 झाड़ू एक दिन में बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, आप जैसी भी झाड़ू बनाना चाहते हैं आपको ये मेक श्योर करना होगा कि अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट पर झाड़ू के ऊपर 8-10 रुपए का होना चाहिए। अगर आप जहां से माल खरीद रहे हैं सारा कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको 8-10 रुपए का प्रॉफिट पर झाड़ू के ऊपर नहीं होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बिजनेस को शुरू मत कीजिएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि कम से कम 10 रुपए का प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा पर झाड़ू के ऊपर, तो ही आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं उस तरीके के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही आपको सेल आना शुरू हो जाएगा। तो वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तरीका बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट में जितनी भी बेकरी है जो पाव बनाती है वो पाव को कैसे बेचती है। देखिए कोई भी कस्टमर डायरेक्टली जाके उनसे पाव नहीं खरीदता कि एक पाव दे दो, पांच पाव दो, दस पाव दो, वो लोग सबसे टाइप करके रखते हैं,
जितने भी किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, उनसे टाइप होता है। इसके अलावा जो लोग पाव भाजी बनाते हैं, वड़ा पाव बनाते हैं, मिसल पाव बनाते हैं, अंडा पाव बनाते हैं, इनके साथ भी उनका टाइप होता है। तो जब भी इनको पाव की जरूरत होती है वो उनको फोन करते हैं, बेकरी वाला एक घंटे के अंदर साइकिल से पाव की डिलीवरी कर देता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज नहीं पता होगी, बेकरी वाला जिन भी दुकान को पाव देता है पूरे दिन में अगर पाव नहीं बिकती है तो रात को बेकरी वाले आते हैं, उस पाव को लेके जाते हैं। उसके बाद में वो लोग उस पाव का क्या करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो लोग भी मिसल पाव बनाते हैं, उसल पाव बनाते हैं, जो भी ऐसे सामान बनाते हैं, वड़ा पाव वगैरह, उनको वो पाव दे देते हैं। तो वहां पे तो पाव इजीली यूज हो जाती है, लेकिन मान लीजिए वहां पे भी पाव यूज नहीं हो पाती तो उसके बाद में उनके पास तीसरा स्टेप होता है, वो क्या करते हैं उस पाव का टोस्ट बनाते हैं, उसको पैक करके मार्केट में बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। जो दुकान वाला है मॉर्निंग में उसको फ्रेश माल मिलेगा, माल बिका तो उसको फायदा होगा, अगर नहीं बिका तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो बेकरी वाला है उसका भी कोई नुकसान नहीं है, पाव बिकी तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं बिकी तो अल्टीमेटली वो टोस्ट बना के उसको मार्केट में बेच सकता है। तो दोस्तों क्या आप इस बिजनेस में विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि झाड़ू के बिजनेस में मैक्सिमम झाड़ू खरीदता कौन है, मतलब आपका एक्चुअल में कस्टमर कौन है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका कस्टमर है महिलाएं, जितनी महिलाएं होती है वही ज्यादातर झाड़ू खरीदती हैं। तो आपका जो कस्टमर है वो पूरे दिन में एग्जैक्टली करता क्या है, कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता है। देखिए आपका जो कस्टमर है वो या तो अपने घर पे किचन में टाइम स्पेंड करता है, या उसको जो भी टाइम मिलता है वो शॉपिंग करने जाता है। मोस्टली महिलाएं शॉपिंग कहाँ पे करती है, शॉपिंग करने के लिए वो मार्केट में जाती है। तो आप जहां कहीं भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके आसपास में आपको बड़े बड़े मार्केट फाइंड आउट करने होंगे, और जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं उस तरीके को आप करेंगे तो फर्स्ट डे से आपको सेल आना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग सामान बेचते हैं, कुछ लोग रोड पे लगा के बेचते हैं, कुछ लोग लारी पे लगा के बेचते हैं, किसी की छोटी छोटी दुकानें होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको उनसे जाके बात करनी होगी, उनको बोलना होगा कि रोजाना मेरी एक गाड़ी आएगी जो आपको 20 झाड़ू देगी, तो आपके जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके सामने ये झाड़ू रख दीजिए, अगर वो खरीदते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खरीदते हैं तो मार्केट जब बंद होने वाला रहेगा तो मेरी गाड़ी आएगी और झाड़ू लेके चली जाएगी। दोस्तों इसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई सब्जी बेच रहे हैं, उसके बाजू में अगर 20 झाड़ू है तो महिलाएं तो सब्जी भी खरीदती है और झाड़ू भी खरीदती है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे कि आपकी झाड़ू भी बिकेगी। देखिए दोस्तों इसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी आपके लिए भी और जो झाड़ू बेचने वाला है उसके लिए भी। देखिए जो झाड़ू बेचने वाला है उसको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, आपकी ये गाड़ी रोजाना मार्केट में जाएगी, उसको 20 झाड़ू देगी, जितनी बिकेगी उसमें उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, जो नहीं बिकेगी वो आप वापस ले जाएंगे, और झाड़ू ऐसी चीज है कि जो एक दो दिन में खराब नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए जो झाड़ू बेचेगा उसको पर झाड़ू के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट भी होता है, और दिन में 20 में से अगर वो 10 भी बेच पाता है फिर भी उसको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उसको स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना है, झाड़ू कहीं से लाना भी नहीं है, कहीं ले जाना भी नहीं है, आपकी गाड़ी जाएगी झाड़ू देगी और बाद में अगर जो माल नहीं बिका उसको वापस लेके आ जाएगी। अब दोस्तों हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही मगजमारी वाला तरीका है, रोजाना गाड़ी को लेके जाओ, झाड़ू सब कुछ दो, फिर शाम के टाइम झाड़ू कलेक्ट करो, इतना मगजमारी कौन करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग तो करवानी पड़ेगी, तो ये भी एक तरीके की मार्केटिंग ही हो जाएगी, क्योंकि आप जिस एरिया में बिजनेस शुरू करेंगे वहां पे जितनी भी महिलाएं होंगी जो झाड़ू खरीदती हैं वो मार्केट में जाएंगी, और मान लीजिए हर काउंटर के ऊपर आपकी 10 से 15 झाड़ू पड़ी हुई है तो आप खुद सोचिए कि कितने ज्यादा चांसेस है कि आपकी झाड़ू बिकेगी। इसके अलावा अगर आप रोजाना ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप कुछ महीनों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि मार्केट में सभी महिलाओं को पता चल जाएगा कि ये ब्रांड की झाड़ू मिलती है, तो एक बार जब वो आपकी झाड़ू यूज कर लेंगे उसके बाद में जब भी नेक्स्ट टाइम अगर उनको खरीदनी होगी वो किराने की दुकान पे जाएंगे या फिर कोई जनरल स्टोर में भी जाएंगे, सुपरमार्केट में कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपकी ब्रांड की झाड़ू वहां पे पड़ी होगी तो पहले वो उसको ही खरीदना प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों ये एक तरीका है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो और आपको पहले दिन से ही सेल्स आना शुरू हो सकता है। आप कुछ सोच लीजिए मार्केट कितना बड़ा होता है, मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ अपना सामान बेचते हैं, अगर आप 15-20 के साथ भी टाइप कर लेते हैं, किसी की 5 झाड़ू बिकती है, किसी की 10 झाड़ू बिकती है, तो आप सोच सकते हैं कि रोजाना आपकी कितनी झाड़ू बिक सकती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे पाता, तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं सैटरडे या फिर संडे, दोनों में से एक दिन आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन से दिन मुझे करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ एवरी संडे या एवरी सैटरडे, दोनों में से एक दिन डिसाइड करता हूँ, और जो भी कमेंट है जिनका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब लिखने में ही बहुत टाइम लगता है, तो मैं सोच रहा था उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूं और जिसने भी सवाल पूछा उसको भी उसका जवाब मिल जाए। तो मुझे आप बताइए कि कौन सा दिन सही रहेगा, सैटरडे या फिर संडे, और क्या टाइमिंग सही रहेगा। तो आप जो बताएंगे उसके हिसाब से मैं रेगुलर बेसिस पे हर वीक एक वीडियो रिलीज करूंगा, उसमें उन सारे सवालों को कवर करने की कोशिश करूंगा, तो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
हो सकता है आने वाले सैटरडे या फिर संडे में आपका सवाल भी फीचर हो जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।